हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा और आज हम बात करेंगे आइकिया के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जिसको हम अपने घरों में इस्तेमाल करके अपने घर को और भी अच्छे से वेल तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और वो भी बेस्ट रेंज में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट से, वो है ये लालटेन। ये जो है लगभग 26 सेंटीमीटर का है और ये स्टील बॉडी का है जिसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग की हुई है और ये आगे जो है ये इस तरह से ओपन होता है और ये जो है ग्लास का मटेरियल जो आगे लगाया हुआ है और इसके अंदर आप जो है कुछ भी शो पीस आप इसमें रख सकते हैं और कोई भी कैंडल्स हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर पीस लगता है ये, आप कहीं पे भी वॉल पे हैंग कर सकते हैं या कहीं पे भी शोकेस में इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट है वो है ये प्लांट पॉट। ये क्ले पॉट है और ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन में वाइट कलर का है और ये जो है आप इसे इंडोर भी यूज़ कर सकते हैं और आउटडोर आप कोई भी प्लांट भी इसमें लगा सकते हैं। ये मैंने 299 रुपीस में परचेज़ किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और नेक्स्ट है वो है ये प्लांट, ये आर्टिफिशियल प्लांट है और ये जो है आप इसे कहीं पे भी इंडोर में रख सकते हैं। और जो मैंने ये पॉट परचेज़ किया था इसके साथ मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, इसकी जो फिटिंग थी तो इस तरह से मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, रखती हूँ घर में। और ये जो है ये 449 रुपीस में मैंने परचेज़ किया है पर ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और ये दोनों जब ब्लेंड होते हैं तो ये दोनों एक तरह से बहुत ही अच्छा लुक देता है घर में। तो आप डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं या कहीं पे भी आप चाहें तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है ये वेस ग्लास का और ये बहुत ही सुंदर सा है ये, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आप कोई भी फ्लावर जो है वो भी इसमें रख सकते हैं तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा। फ़िलहाल जो है मैं फ्लावर्स इसमें नहीं लेके आई तो इसके लिए भी फ्लावर्स में मैं लेके आऊँगी, पर ये वेस जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसको आप ऐसा भी घर में कहीं पे भी रख सकते हैं तो ये वैसे भी काफ़ी सुंदर लगता है और इसका प्राइस जो है वो 199 रुपीज़ का है, तो ये काफ़ी अच्छी प्राइस डील में मुझे आइकिया से मिल गया। ये है प्लास्टिक का दूसरा बॉक्स जिसे आप काफ़ी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी सुंदर है, अंदर से पिंक कलर का है और इसमें काफ़ी अलग अलग कलर्स आते हैं जैसे कि ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और इसका प्राइस भी जो है 219 रुपीस है क्योंकि इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी शाइनी स्टफ़ है ये। इसको आप चाहे किचन में यूज़ कर सकते हैं कोई भी जार्स रखने के लिए, तो चाहे आप ड्रेसिंग टेबल के बाहर रख सकते हैं या आप बाथरूम में जो भी आपके शैम्पूज़ की बॉटल्स होती है उसको भी आप रख सकते हैं, क्रीम्स रख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है ये एक वाइट कलर का प्लास्टिक का बॉक्स है। ये काफ़ी वर्सटाइल बॉक्स है कह सकते हैं क्योंकि इसका काफ़ी इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ये जो नॉब है या कह सकते हैं ये एक हुक है जिसको आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। इसको आप किसी भी ग्रिल पे हैंग कर सकते हैं। आइकिया के खुद के भी कुछ ऐसे रोड्स आती है, सिस्टम में आता है जिसके अंदर ये अच्छे से फिक्स हो जाता है। इसका प्राइस जो है सिर्फ 59 रुपीज़ का है, तो ये बहुत ही चीप रेट में आपको वर्सटाइल प्रोडक्ट मिल जाता है। और मैं लाई हूँ कर्टेंस, ये नेट के कर्टेंस हैं और ये फुल लेंथ कर्टेन है, तो ये काफ़ी अच्छा मटेरियल लगा मुझे। ये प्योर नेट का है, फुल लेंथ है, वाइट है, बहुत ही डिसेंट है, तो ये जो है बालकनी में लगाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ट्रांजी है, इसमें लाइट भी पास होती है तो इससे धूप भी आपके घर में आती है, रोशनी भी आती है, तो ये काफ़ी अच्छा मटेरियल का कर्टेन लगा और इसका प्राइस है 579 रुपीज़ में आपको वन पेयर जो है मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे ये कर्टन्स मिल गए। नेक्स्ट है ये विंडो कर्टन जो मैं घर के लिए लाई हूँ और ये लूप्स वाले कर्टन है और काफ़ी अच्छा मटेरियल है, काफ़ी थिक कॉटन का मटेरियल है और ड्यूरेबल लगा मुझे और ये आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा, वन पेयर आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसके साथ साथ ये दूसरा कलर है, क्रीम कलर है और इसमें पिंक कलर का हल्का हल्का सा डिज़ाइन है, तो ये भी जो है 1000 रुपीज़ में आपको वन पेयर यानी कि टू कर्टन्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है ये कुशन और ये काफ़ी सॉफ्ट सा कुशन है, काफ़ी कंफर्टेबल है, ये पतला है, ज़्यादा आपके नेक को ज़्यादा दबाव नहीं देता और ये काफ़ी अच्छा मटीरियल है। इसके अंदर अंदर से इस तरह से चेन से ये जो है खुल जाता है, कवर ईजिली आप वॉश भी कर सकते हैं इसको, और ये 599 रुपीज़ का वन कुशन है। और ये है एक स्टूल और ये जो है इसकी आयरन की रोड्स है, ये प्लास्टिक का बेस है, ये शायद 400 रुपीज़ का था, तो ये अच्छे रेट में है और इसके ऊपर जो है आप एक ये कवर भी ले सकते हैं, ये अलग अलग कलर्स में आते हैं, तो ये वाइट बेस का कलर
जो है मैंने लिया है, इसे आप इस तरह से रख के और जो है नीचे से इसके लूप्स को टाई अप कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये अलार्म क्लॉक। ये जो है ब्लैक कलर की बहुत ही सुंदर पीस है ये अलार्म का, और इसकी जो बॉडी है वो स्टील की है, बहुत ही ट्रेडिशनल लुक देता है ये। और जब ये बजता है तो भी जैसे पहले के अलार्म क्लॉक्स होती थी उस तरह से ये बजता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इवन मेरे बेटे को ये काफ़ी पसंद आया और उसको जो है उसी ने कहा था कि ये जो है हम ज़रूर लेंगे, तो ये मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। और इसका जो प्राइस है वो है 499 रुपीज़। तो इस तरह से देखें तो ये इसका जो प्राइस है वो भी अच्छा है और मैं इसको काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये काफ़ी अच्छा पीस जा रहा है, इसमें अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई है। इस क्लॉक की अच्छी बात ये है कि जब आप रात को सोते हैं तो इसमें कोई भी सेकंड की सुई नहीं है, तो इसमें कोई भी आपको ऐसे टिक टिक की जो है आवाज़ नहीं आती। नेक्स्ट है वो है ये अलार्म क्लॉक। तो ये जो है ये प्लास्टिक का है, लेकिन इसकी काफ़ी खूबियाँ मुझे लगी इसमें। एक पहली बात, इसमें काफ़ी कलर्स अवेलेबल थे जैसे कि येलो, ब्लैक, ग्रे और ये पिंक, तो मुझे ये पिंक कलर ज़्यादा अच्छा लगा। और इसकी खासियत ये है कि ये जो है थर्मामीटर भी है, टाइमर भी है, अलार्म भी दिखाता है। तो इसका ऐसे है कि जब भी आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो उस तरह से ये अपनी जो है जो भी आपको बताना है, जैसे यहाँ पे ये टाइमर है या यहाँ पे क्लॉक है, ये टेम्परेचर मॉनिटर है, ये टाइमर है, तो जैसे ही आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो उस तरह से ये अपनी जो है प्रोग्रामिंग भी चेंज कर लेता है। तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, उसकी रेंज जो है वो है 299। तो 299 में इसके काफ़ी अच्छे फंक्शंस हैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आया। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये छोटा सा ग्लास का टी लाइट होल्डर। ये बहुत ही क्यूट है और बहुत ही छोटा सा है और इसके अंदर आप इस तरह से लाइट्स डाल के अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही क्यूट है और इसका प्राइस सिर्फ 35 रुपीज़ का है। तो इस तरह से काफ़ी पीसेज जो है मैं लेके आई हूँ आइकिया से। और दूसरा जो है वो ये भी टी लाइट होल्डर है और ये भी ग्लास का है, बहुत ही सुंदर है। और ये दोनों टी लाइट होल्डर जो है ये आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। आप कुछ भी घर में आप कोई भी सामान रखना चाहते हो, जैसे कि ईयर रिंग्स हो गया या पिंस हो गया, या फिर मैं पर्सनली इसको वीडियोज़ बनाने के लिए लेके आई हूँ, तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये छोटा सा स्टील का वेस, और ये भी बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सुंदर है। इसे आप घर में किसी भी जगह पे किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप इवन टी लाइट होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ये इसमें इस तरह से लाइट डाल के। बहुत ही छोटा सा क्यूट लगा मुझे, इसलिए मैंने ले लिया है। और इसका प्राइस जो है सिर्फ 79 रुपीज़ है। तो आप इसको मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चाहे इसमें आप अपने कॉम्ब रख लें या इसमें आप अपने पेंस रख लें या कुछ भी आप चाहते हैं उस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। और जो मैं आपको टी लाइट्स दिखा रही थी वो ये वाली थी, ये भी मैंने आइकिया से ही लिया है। तो वहाँ पे जो है तरह तरह की टी लाइट्स आती है, कैंडल की भी आती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक टी लाइट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसका जो है मैंने पूरा पैकेट परचेज़ किया है और ये जो है 600 के 6 लाइट्स हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर देखें तो मैं इस लाइट्स को काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी क्वालिटी इतनी बेस्ट है कि अभी तक इसमें कुछ भी जो है मुझे प्रॉब्लम नहीं आई है। और ये इसके जो है सेल्स आपको सेपरेट लेने होते हैं, तो ये 100 रुपीज़ की एक लाइट आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है ये डेस्क पैड, और ये काफ़ी अच्छा बड़े सारा डायमेंशन है इसका। इसको आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, ख़ासतौर पे ऑफिस यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। कोई भी वर्क प्लेस है उसके ऊपर आप प्लेस कर सकते हैं इसको, और इसका ग्रिप भी अच्छा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसका प्राइस है 249। तो 249 रुपीज़ में ये अच्छा थिक मटेरियल है, ये बहुत ही अच्छा जो है प्रोडक्ट लगा मुझे आइकिया का। नेक्स्ट है ये लैपटॉप का स्टैंड, तो ये काफ़ी अच्छा है, ये बड़े साइज़ में है और इसमें अलग अलग कलर्स भी आते हैं, तो मैंने पिंक कलर जो है चूज़ किया है। इसके अलावा जो है इसके अंदर छोटे स्टैंड भी आते हैं जैसे कि ये, तो ये ऑलरेडी जो है मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो है आपको एक हाइट देता है, जब भी आप लैपटॉप पे बैठते हैं या टैबलेट यूज़ करते हैं, आपको एक हाइट देता है जिससे आपके आँखों पे जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं आता काम करते वक्त सिस्टम पे। तो ये जो है 500 रुपीज़ का है और ये 200 रुपीज़ का छोटे वाला स्टैंड है। नेक्स्ट है ये फुट रेस्ट, तो जब भी हम सिस्टम पे काम करते हैं लंबे समय तक तो हमारा पोस्चर जो है वो कई बार इनकरेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है क्योंकि इससे हमारे जो लेग्स को एक स्टेबिलिटी मिलती है,
कई बार चेयर की हाइट को एडजस्ट करने के लिए हमें ये जो फुट रेस्ट काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो ये इस तरह से आता है और इसको आपको जो है असेंबल करना होता है। इसमें एक ये इस तरह से एक बोर्ड है और इस तरह से ये जो रॉड्स होती है, तो इन रॉड्स को आपने सिर्फ असेंबल करना है और इसे आप जो है इसके ऊपर ऐसे रख के आप इसको फुट रेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस है 999। वैसे ये कॉस्टली है लेकिन आपकी सिस्टम के आगे आपको स्टेबल बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये थे आइकिया के कुछ प्रोडक्ट्स। आई होप आपको ये सारे प्रोडक्ट्स पसंद आए होंगे। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ मैंने मंगवाए हैं, कुछ मैं लेके आई हूँ स्टोर से। तो इस तरह से आप भी जो है इन प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। बाकी इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो ये फर्स्ट टाइम जो है मैंने पहली बार कुछ ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने जो शॉपिंग की है आइकिया से वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो है मैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स ही आपके साथ शेयर करती हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करती रहती हूँ। लेकिन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि पहली बार इस तरह से शॉपिंग की और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ मैंने क्या क्या शॉप किया है, किस तरह से घर पर मैंने इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर ज़रूर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपके लिए लाती रहती हूँ समय समय पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।